इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिया यानी INDIA इंडिया गठबंधन की बैठक टली, ममता नीतीश अखिलेश के इनकार के बाद खड़गे का फैसला। विपक्षी गठबंधन इंडिया यानी INDIA की बुधवार को होने वाली बैठक टल गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में 6 दिसंबर को यह बैठक बुलाई थी। बता दें आपको, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने अलग अलग वजहों के चलते बैठक में शामिल होने में असमर्थता जताई थी। कांग्रेस का कहना है कि सभी पार्टियों से बात करके एक दो हफ्ते में बैठक की नई डेट तय की जाएगी। दरअसल विपक्षी दल के नेता लगातार सीट बंटवारे को लेकर इंडिया यानी INDIA इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाने की मांग कर रहे थे। हालांकि आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 5 राज्यों में चुनाव का हवाला देकर इसे टाल दिया था। रविवार को 4 राज्यों में आए नतीजों के बीच खड़गे ने 6 दिसंबर को इंडिया की बैठक बुलाई थी। 4 राज्यों में सिर्फ तेलंगाना में कांग्रेस को जीत मिली है, जबकि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उसे हार का सामना करना पड़ा है। विपक्षी दलों के नेता ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन ने बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। नीतीश की जगह जदयू की ओर से ललन सिंह और संजय झा तो अखिलेश की जगह सपा से रामगोपाल यादव के बैठक में शामिल होने की संभावना जताई गई थी। कांग्रेस का कहना था कि MTK स्टालिन, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार ने अपनी अपनी वजहों से मीटिंग में शामिल होने में असमर्थता जताई। बारिश के चलते चेन्नई एयरपोर्ट बंद है, ऐसे में स्टालिन शामिल नहीं हो पा रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है, जबकि ममता कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। ऐसे में बैठक का समय बदलने का फैसला लिया गया है। जी हां, ममता बनर्जी ने इस बैठक में शामिल होने से इनकार करते हुए कहा कि मुझे इंडिया यानी INDIA इंडिया गठबंधन की बैठक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। किसी ने मुझे इस बैठक के बारे में नहीं बताया और ना ही इस संबंध में मुझे कॉल कर सूचित किया गया। उत्तरी बंगाल में मेरा 6 से 7 दिन का कार्यक्रम है, मैंने अपनी योजनाएं भी बनाई है। अगर अब वे मुझे बैठक के लिए बुलाते हैं तो मैं अपनी योजनाएं कैसे बदल सकती हूं। लोकसभा चुनाव से पहले BJP और PM मोदी का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस, TMC, राजद, जदयू, आप, सपा, DMK समेत 26 विपक्षी दल एक साथ आए हैं। इन विपक्षी दलों के गठबंधन को इंडिया गठबंधन नाम दिया गया है। इंडिया गठबंधन की पहली बैठक पटना में हुई थी, जबकि दूसरी बैठक बेंगलुरु और तीसरी बैठक मुंबई में आयोजित की गई थी। खड़गे ने चौथी बैठक दिल्ली में 6 दिसंबर को बुलाई थी। तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि इंडिया यानी INDIA गठबंधन की बैठक टल गई है। ममता नीतीश अखिलेश के इनकार के बाद खड़गे का फैसला आया है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर UKG के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।